सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ वर्ष पहले की बात है, एक शक्ति नगर नाम का गांव था। उस गांव में एक देवी माँ का मंदिर था, जिसमें गांव के लोग आपस में मिलजुल कर पूरी श्रद्धा से नवरात्रि की पूजा को पूर्ण किया करते थे। उस गांव में एक सुकन्या नाम की औरत रहती थी, जिसका पति अपने परिवार के कारोबार के लिए कहीं दूर अपना काम करता था, जिसको अपने काम से छुट्टी सिर्फ नवरात्रि के त्योहार में ही मिलती थी और नवरात्रि आने को थी। हेलो सुकन्या, नवरात्रि की तैयारी पूरी हो चुकी है क्या? हाँ पवन, दो दिन बाद नवरात्रि शुरू होगी। कलश स्थापना के साथ साथ मेरा 9 दिन का उपवास भी शुरू हो जाएगा। अच्छा बताइए कि आप गांव कब आएंगे? मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं आज ही यहाँ से निकलने वाला हूँ। सुबह तक गांव पहुँच जाऊंगा। हम लोग नवरात्रि खूब धूमधाम से मनाएंगे और हाँ, मैं अपने साथ मोती को भी ला रहा हूँ। अरे वाह, चलो अच्छा है, इस बार आपको काम से छुट्टी मिली। हाँ चलो ठीक है, अब निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। बाय बाय। कुछ ही समय बाद पवन अपने मोती के साथ कार से गांव के लिए जंगल वाले रास्ते से निकल पड़ता है। जानते हो मोती, कई सालों बाद मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। बचपन में हम अपने दोस्तों के साथ यही इसी जंगल में पिकनिक मनाने आया करते थे। इस रास्ते से जा रहा हूँ तो बचपन की कई तस्वीरें आंखों के सामने आ गई। मोती कितना चिल्ला रहे हो, भूख लगी है क्या? बस ये जंगल वाला रास्ता समाप्त हो जाने दो, हम कुछ ना कुछ खा लेंगे। फिलहाल चुप रहो। अरे इतनी रात को इस जंगल में सड़क के बीचों बीच कौन खड़ा हो सकता है? ओम प्रीम क्रीम क्रीम स्वाहा, ओम प्रीम क्रीम क्रीम स्वाहा। अरे ये तो एक तांत्रिक लगता है। मोदी तुम यही रुको, मुझे उतर कर देखना पड़ेगा। क्रीम क्रीम स्वाहा। अरे भाई साहब, आप सड़क से थोड़ा सा साइड हट जाइए, हमें अपनी गाड़ी निकालनी है। ओम प्रीम क्रीम क्रीम मुंजाय आगमने स्वाहा, ओम प्रीम क्रीम क्रीम मुंजाय आगमने स्वाहा, ओम प्रीम क्रीम क्रीम मुंजाय आगमने स्वाहा। अरे मूर्ख, तू क्या सोच रहा है, तू इतनी आसानी से यहाँ से चला जाएगा? अरे मैं तेरा ही तो इंतजार कर रहा था, मुझे तेरे शरीर की जरूरत है। कई तपस्याओं के बाद मेरी मुंजा को एक नया शरीर प्राप्त होगा। अरे भाई प्लीज मुझे जाने दीजिए, घर पर मेरी पत्नी मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुंजा बाहर आओ, बाहर आओ। इस इंसान को बंदी बनाकर अपने स्थान पर ले चलो और इस कुत्ते को मार डालो। नहीं, 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 नहीं।
क्या हुआ बेटी, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? और पवन कहाँ है? पिताजी काफी समय हो गया है, अभी तक वो घर नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है और फोन भी उनका बंद आ रहा है। बेटी परेशान मत हो, पवन आता ही होगा। हाँ, सुबह से दोपहर हो जाता है पर पवन को अभी तक घर नहीं लौटने की वजह से सुकन्या काफी चिंतित हो जाती है। पवन के पिता के कहने पर गांव के कुछ लोग पवन की तलाश में निकल पड़ते हैं। अरे ये तो पवन भाई की गाड़ी है, पर ये तो उल्टी पड़ी है और इसके सामने यह हवन सामग्री। हाँ भाई, ये तो उन्हीं की गाड़ी है। वो देखो, उन्हें कुत्ते का सर कटा, शरीर भी पड़ी हुई है, पर पवन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। हाँ चलो चलो, गांव चलकर हम काका को बताते हैं। शाम के 7:30 बजे गांव के लोग पवन के घर आकर कहते हैं, काका हम पवन भाई को ढूंढते हुए जंगल वाले रास्ते से जा रहे थे तो हमने देखा कि पवन भाई की गाड़ी उल्टी पड़ी हुई थी और हाँ वहाँ पर एक कुत्ते की सर कटा शरीर भी पड़ी थी। हम लोगों ने उन्हें चारों तरफ देखने की कोशिश की पर उसका कोई पता नहीं चला। हाँ, पर जहाँ गाड़ी पलटी हुई थी उसके सामने एक हवन सामग्री और कुछ तंत्र मंत्र के सामान पड़े हुए थे। हे भगवान, मेरे बेटे को बचाओ, यह उसी तांत्रिक का काम है जिसे कुछ वर्ष पहले हमारे गांव के लोगों ने उसे गांव से भगा दिया था और उसने कहा था कि एक दिन वो जरूर आएगा और अपने अपमान का बदला लेगा। पिताजी अब हम क्या करें, पता नहीं वे किस हाल में होंगे। घबराओ मत बेटी, कल से नवरात्रि शुरू होगी, तुम अपनी शारदा भक्ति से कलश स्थापना करना और अब माता रानी ही हमारी सहायता करेंगी और गांव वालों तुम लोग नवरात्रा की तैयारी करो। हे माँ, मुझे पता नहीं कि आप किस तरह हमारी सहायता करेंगी, आप पर हमें पूरा विश्वास है। 9 दिन तक कठिन व्रत के साथ साथ मैं अभी से ही कलश स्थापना करती हूँ और आज से ही नवरात्रि शुरू करती हूँ माँ। सुकन्या अपनी छाती पर 9 दिनों के लिए कलश स्थापित और व्रत रखती है। ओम प्रीम 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 हुंजाय आगमने स्वाहा। ओम प्रीम 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 हुंजाय आगमने स्वाहा। कहीं दूर से मुझे बैंड बाजे की ध्वनि सुनाई दे रही है, मैं जाकर देख कर आती हूँ। अरे ये गांव वाले तो यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं। क्या कह रही हो मुंजा, नाच गाना झूमने नाचने दो, 9 दिनों तक खुशियां मनाने दो, 2 दिन बाद में दशहरा के दिन सभी गांव वाले डर से बिलबिला उठेंगे, चारों तरफ हम दोनों का तांडव होगा, गांव के सारे लोग जिंदगी की भीख मांगेंगे और फिर हम भी नाच गाना करेंगे। तांत्रिक 9
9 दिनों के लिए कठिन तंत्र विद्या की शुरुआत कर देता है और वहाँ सुकन्या 9 दिनों तक माता रानी की कठिन तपस्या करने लगती है। देखते ही देखते 9 दिन बीत जाता है और गांव में आनंद अति आनंद। इस मनुष्य की ओर देखो, गांव वाले थोड़ी ही देर में यह मनुष्य को देखते ही देखते एक नया रूप धारण कर लेगा। बस आखिरी मंत्र ओम ब्रीम क्रीम क्रीम मुंजाय आगमान्य स्वाहा, ओम ब्रीम क्रीम क्रीम मुंजाय आगमान्य स्वाहा। मुंजा, मैं ये तुम्हारा नया रूप देखकर अति आनंदित हुआ। मांगो तांत्रिक, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ए मुंजा, इन गांव वालों को ऐसी मौत दो कि पृथ्वी लोक से देव लोक सभी कांप उठे। मुंजा एक अदृश्यता और शक्तिशाली भयानक आत्मा थी। अदृश्य होकर गांव वालों का सर धर से अलग करने लगी। तभी पवन की पत्नी जान बचाकर माता रानी के मंदिर के पास भागती हुई जाती है। हे माँ, मेरे पति को इस बुरी शक्ति से बचा लो, मेरे सुहाग को बचा लो माँ। ये गांव वालों की सर धड़ से अलग करती जा रही है। और हाँ माँ, अगर आप मेरे सुहाग की रक्षा नहीं करेंगी तो आप पर से इस पूरे संसार का विश्वास उठ जाएगा। Oops.
को आत्मा हूँ और आत्मा अमरवती है। लगता है कि तुम्हें मेरी शक्ति के बारे में पता नहीं है, तो ले अपने आप को बचा। अब तो यहां से निकलने में ही भलाई है। देखो सुकन्या, देखो तुम्हारा पति तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। माँ, आपने मेरे पति को बचाया और आपको इस साक्षात रूप में देखकर मैं धन्य हुई। माँ, मैं धन्य हुई। माँ, आपने मुझे तो बचा लिया पर मेरे पिताजी। माँ ने उस आत्मा मुंजा और तांत्रिक का वध कर फिर से उसे उस गांव को वैसा ही कर दिया जैसा वो पहले था। भक्तों, इस कहानी का तात्पर्य है कि जब भी कोई आप बुरी समस्या में हो तो सबसे पहले माँ शेरावाली का ध्यान करें, वह जरूर किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आएंगी। दरबार में आए हुए आप सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ।